नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट 9 मंथ के आ चुके हैं और साथ ही में कोरोना की बाजार पे इफेक्ट आ गई है। कोरोना की बाजार पे इफेक्ट हमने देखी है, डेली हम नए लो देख रहे हैं। रिजल्ट्स पे इफेक्ट हम कुछ हद तक Q4 में देखेंगे और कुछ Q1 में। मेजर प्रभाव Q1 में तो हम देखने ही वाले हैं, जिसकी एडवांस में इफेक्ट बाजार ने आपको बता दी है, राइट। दोस्तों, चलिए हम आज फार्मा डिस्कस करें, साथ में बिहेवियर डिस्कस करें कि ऐसे जब जबरदस्त फॉल आए तब हम क्या करें, किस प्रकार से इस ऐसे फॉल में भी हम लोग फायदा उठा सके, किस प्रकार से ऐसे फॉल की तैयारी रख सके दोस्तों, राइट। क्योंकि ये पहली बार का फॉल नहीं है। हम अगर हमारे पोर्टफोलियो को 15-20 साल रखेंगे तो इसमें 2-3 बार ऐसे फॉल तो हम देखने वाले हैं, राइट। चलिए दोस्तों, फार्मा दोस्तों, आईटी कंसल्टिंग, फार्मा, ये सब इंडस्ट्री अगर हम देखें तो ये 2 से 3 दशक पहले इमर्जिंग इंडस्ट्रीज थी। भारत में ये बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, पर जैसे बैंकिंग, आईटी कंसल्टेंट, फार्मा, ये सारी इंडस्ट्री उभर कर बाहर आई, उसी प्रकार से फार्मा इंडस्ट्री भी 2-3 दशक पहले शुरू हुई और आज बहुत बढ़िया ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में करीबन 150 लिस्टेड फार्मा कंपनीज है, तो 150 कंपनी से ही हमें पता चलता है कि ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में भी काफी हद तक बड़ा बन चुका है। मेजर टर्नओवर, मेजॉरिटी ऑफ द टर्नओवर आज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से फार्मा में आ रहा होगा। दोस्तों, सेल्स देखें तो लिस्टेड कंपनियां जो 150 है वो मिलके 2 लाख करोड़ का सेल्स कर रही है। हालांकि 50% सेल्स तो टॉप 5 की कंपनियों में से ही आ रहा है, तो आपको जो बढ़िया कंपनियां अगर इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढनी है तो आपको टॉप 5 में से बढ़िया बढ़िया कंपनियां मिल जाएगी। पिछले 2 दशक में यह सेक्टर 16% के CAGR से बढ़ रहा है, तो जी हां, अच्छा ग्रोथ फार्मा का है। निफ्टी 50 में हां अभी 3 कंपनियां ऑलरेडी है, ये 150 जो लिस्टेड कंपनियां बताई, इसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला, ये 3 कंपनियां है। ऑरोबिंदो पहले थी, लुपिन पहले थी, पर ये लोग पिछले जो 5 साल एवरेज ग्रोथ रहा फार्मा का, उसकी वजह से कुछ और सेक्टर ने ओवरटेक कर दिया इस सेक्टर को, और लुपिन और ऑरोबिंदो निफ्टी से बाहर हो चुकी है और उनके बदले नई ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की कंपनी कदम रख चुकी है। तो दोस्तों, ये तो सत्य हकीकत है, आने वाले समय में भी वो इंडस्ट्रीज जो हाई ग्रोथ करेगी उनकी कंपनियां निफ्टी में एंटर होती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा मार्केट इसका US है। सीधी बात है दोस्तों, कोई भी कंट्री में, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था, 2 चीज जरूरी है, एक पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन के पास अच्छा पैसा। तो US एक ऐसा कंट्री है जिसके पास अच्छा पॉपुलेशन है, अच्छा मतलब बड़ा, 40 करोड़ पॉपुलेशन, बड़ा पॉपुलेशन है और उनकी GDP पर कैपिटा भी बहुत ही हाई है, जिससे लोग एफोर्ड कर सकते हैं फार्मा। दोस्तों, दूसरा जापान जो कि हाई एजेड डेमोग्राफी है, तो वहां पे भी फार्मा का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पॉपुलेशन में भी जापान को हम बहुत कम तो नहीं आकेंगे, यस, GDP पर कैपिटा जापान का भी बढ़िया है। और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा का मार्केट है चाइना। दोस्तों इसीलिए हमारी जो इंडियन कंपनीज है ये आज वहां पे धंधा कर रही है जहां पे मार्केट है। दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की है फाइजर, करीबन 200 साल होने को आए हैं इस कंपनी को, हाईली प्रॉफिट मेकिंग, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हमारी
सारी कंपनी 150 कंपनियां मिलके जितना प्रॉफिट नहीं करती है उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट फाइजर अकेली करती है। 80,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। दोस्तों भारत की हमारी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो धंधा भी 80,000 करोड़ का अभी कर रही हो फार्मा में। तो इससे हमें अंदाजा आता है कि फार्मा कितने बड़ी है हमारी कंपनियों के मुकाबले, राइट। इंडिया की कंपनियों में हम देखें दोस्तों तो देखो 150 कंपनी आप सबका लिस्ट कहां करने बैठेंगे, राइट। 150 में से कुछ कंपनियों का मैंने यहां पे लिस्ट बनाया है दोस्तों। सबसे बड़ा धंधा करने वाली अगर कंपनियां हम देखें तो ये कुछ नाम है, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, लुपिन तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी, सिप्ला चौथी, डॉक्टर रेड्डी, पिरामल, हालांकि पिरामल का मेजोरिटी ऑफ बिजनेस अभी फार्मा नहीं, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है ये, कडीला हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क फार्मा, जुबिलंट, टोरंट, आलकेम, ये कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में से है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो सबसे बड़ी प्रॉफिट करने वाली कंपनियों में डिविस की एंट्री होती है। डिविस का भले धंधा टॉप 5 का नहीं है पर इसका प्रॉफिट जरूर भारत की टॉप की कंपनियों का है। टॉप की 80% प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां गिने तो उसमें डिविस का नाम जरूर आएगा। यस आलकेम लैब भी छोटी कंपनी है दूसरों के मुकाबले पर यस उनका प्रॉफिट भी अच्छा है, राइट। लुपिन, जुबिलेंट ये दो बड़ी कंपनी होने के बावजूद प्रॉफिट कम करते होने की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी में टॉप 80% प्रॉफिट मेकिंग में नहीं आते हैं, राइट। ये आंकड़ों से मैं इतना पता चलता है कि भी फोकस कहां करना है दोस्तों। देखो फोकस वहां किया जाए उन कंपनियों पे किया जाए जो कंपनियां धंधा करती है। अब धंधा जो कंपनियां करेगी वो कंपनियों की प्रॉफिट होगी और वो कंपनियां ग्रोथ कर पाएगी। तो धंधे करने वाली और प्रॉफिट करने वाली कुछ कंपनियों का हमने हिसाब कर लिया। हम लोग दोस्तों इन कुछ कंपनियों पे फोकस करेंगे। फार्मा को हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दोस्तों? फार्मा में दो प्रकार की कंपनियां हैं, एक इंडियन फार्मा, एक मल्टीनेशनल फार्मा। अब इंडियन फार्मा देखें तो जैसे आप अपनी सन फार्मा और वो डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, सिप्ला, पिरामल, डिवीज, अल्केम, ग्लेनमार्क, ये सारी इंडियन फार्मा है। एबोट मल्टीनेशनल फार्मा है, ग्लैक्सो मल्टीनेशनल है, राइट, सेनोफी मल्टीनेशनल है, फाइजर तो हमने पहले ही बात कर दी, मल्टीनेशनल कंपनियां है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में बिजनेस कर रही है तो इनको टर्नओवर वाइज इनका कौन सा बिजनेस आएगा जो इंडिया का धंधा है? पूरे विश्व में ये जो कंपनियां धंधा कर रही है वो नहीं गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इंडियन फार्मा हम ध्यान में ले, जैसे डिविज अगर दुनिया भर में धंधा कर रही है, सन फार्मा दुनिया भर में धंधा कर रही है, तो इंडियन कंपनीज का दुनिया भर का धंधा इंक्लूड होगा। इसीलिए जब आप बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो तो मल्टीनेशनल कंपनियां टॉप में इंडिया में नहीं आएगी क्योंकि इंडियन कंपनीज बाहर बड़ा धंधा कर रही है, राइट। तो इतनी सी चीज खास ध्यान रखे। आप फार्मा में एक कंपनी में निवेश कर सकते हो, कोई भी एक आधी कंपनी सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश कर सकते हो। यस आप इसे बायफर्गेट ऐसे भी कर सकते हो कि चलो मैं दो फार्मा की कंपनी में निवेश करूंगा, एक इंडियन फार्मा और एक मल्टीनेशनल फार्मा। पिछले कुछ समय में जब इंडियन फार्मा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी FDA के वजह से दोस्तों, उस समय मल्टीनेशनल फार्मा ने तो इंडिया में भी अच्छा ही परफॉर्म किया था। आपने देखा हो तो एबोट है, फाइजर है, सेनोफी है, इन सबका परफॉर्मेंस अच्छा ही था भारत, राइट। क्यों? क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां थी, राइट। अब क्वालिटी वाइज थोड़ा बाइफर्गेशन करें दोस्तों, आपने धंधा और प्रॉफिट करने वाली कंपनियां तो ढूंढ ली है। अगर मैं डेप फ्री कंपनियां ढूंढने का प्रयास करूं तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां टोटली डेप फ्री है। डिविज लैब देखो प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये भारत की टॉप 80% प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में है, तो डिविज पे तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। और ये डेप फ्री कंपनी भी है तो नो डाउट हाई क्वालिटी पे हम यहां पे जाएंगे। कैपली पॉइंट
दोस्तों डेप फ्री है, ध्यान रखे दोस्तों एक छोटी सी कंपनी है, 550 करोड़ का टर्नओवर है और प्रॉफिट 150 करोड़ का है। दोस्तों धंधा अगर देखे तो बॉटम मोस्ट 20% कंपनियों में कपली पॉइंट का आता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ी नहीं है। ऐसी कंपनियां अच्छी क्वालिटी की जरूर होगी, पर जब भी आप ऐसी कंपनी में निवेश करो तो थोड़ा कम एक्सपोजर रखें, क्योंकि दोस्तों मंदी में ऐसी कंपनियों की धंधों में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, राइट? सो नो डाउट कपली पॉइंट इज अ डेप फ्री कंपनी, सनोफी इज अ डेप फ्री कंपनी, ग्लेक्सो, PGH, प्रोक्टर, एरिस लाइफ साइंस, एबोट, फाइजर, अजंता, ब्लिस, डॉक्टर रेड्डी, ये सब कुछ डेप फ्री कंपनियों में से है दोस्तों, राइट? तो यहां पे कुछ ध्यान रख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये डेटा भी आपको काम लगेगा। दोस्तों अच्छे मार्जिन वाली कंपनियां इसमें कौन सी है, चलिए दोस्तों मार्जिन वाइज अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो एरिस लाइफ साइंस का सबसे बड़ा मार्जिन, बढ़िया मार्जिन है दोस्तों। एरिस, नेटको, नाटको का मार्जिन बढ़िया है लेकिन दोस्तों डेप बर्डन है इसके ऊपर। हेस्टर बायो का भी मार्जिन अच्छा है लेकिन डेप्ट कुछ है इनके ऊपर, तो ये ध्यान रखें। अगर आप नाटको या हेस्टर बाय करते हो तो भी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए क्योंकि ये डेप्ट फ्री कंपनियां नहीं है, राइट? यस, कैपली पॉइंट भी टॉप 80% मार्जिन की कंपनियों में आती है, सो दे आर डेप्ट फ्री। डिविस बढ़िया मार्जिन, डेप्ट फ्री कंपनी, अच्छा प्रॉफिट। सेम चीज आपकी फाइजर में होगी दोस्तों, लो डेप्ट कंपनी, अच्छा मार्जिन, मल्टीनेशनल में सबसे बड़ों में नाम उसका आएगा। सुवेन दोस्तों डेप्ट बर्डन है इस कंपनी के ऊपर, मार्जिन भले अच्छा हो डेप्ट बर्डन है, तो ऐसी कंपनियों में ज्यादा निवेश ना करें। अजंता फार्मा अगेन डेप्ट कम है उसके ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, पर ये बॉटम मोस्ट 20% कंपनियों में आती है धंधे में, राइट? डॉक्टर रेड्डी अच्छा मार्जिन, PGH अच्छा मार्जिन, पर ये दोस्तों डेप्ट बर्डन कुछ है। तो अगेन ये केस में भी मैं टॉप की कंपनियां सिलेक्ट करूं तो मेरे पास यहां पे भी उभर कर आती है डिविस लैब कंपनी, राइट? आरओई अगर देखे हम, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोस्तों आरओई यानी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक से या जब से ये फार्मा सेक्टर की शुरुआत हुई है उन्होंने अपने स्टेक होल्डर यानी पुराने इन्वेस्टर को जबरदस्त पैसा कमा के दिया, तो उसमें नंबर 1 पे आती है अरबिंदो फार्मा, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन, लेकिन डेप्ट बर्डन होने की वजह से हाई वॉलेटिलिटी है दोस्तों, मार्जिन भी इसके कम है। आलकेम, पिरामल, जुबिलेंट, ग्लेनमार्क, डिविस, डॉक्टर, अजंता, एरिस, ये कुछ कंपनियां हैं जो टॉप आरओई में भी आती है। तो वापस से मैं अगर अगेन डेप्ट फ्री कंपनियां, आरओई, मार्जिन, धंधा सब ध्यान में रखूं तो दोस्तों डिविस का नाम टॉप पे मेरे सामने आता है। दोस्तों इसी वजह से आप में से कोई भी व्यक्ति जब भी हमें पूछते हैं कि फार्मा में मैं निवेश करना चाहता हूं कहां निवेश करूं, तो हम जनरली आपको डिविस लैब रिफर करते हैं। यस, हमारे पास भी बरसों से हमने डिविस लैब में पोजिशन बनाया हुआ है। आप सैनोफी हो, ये सारी कंपनियों में निवेश कर सकते हो दोस्तों, लेकिन हर एक का रिस्क रिवॉर्ड हमें समझना चाहिए। दोस्तों फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसके जो सबसे बड़े खिलाड़ी है, सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? सन फार्मा, अरबिंदो फार्मा, तो वो डेप बर्डन वाले हैं, उनके मार्जिन भी इतने अच्छे नहीं है, राइट? लुपिन भी टॉप में आती है पर अगेन डेप बर्डन, मार्जिन अच्छे नहीं है। जो अच्छे हैं उनके धंधे इतने बड़े नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों ध्यान में रखें। यस, डिविज में निवेश कर सकते हैं, सारी चीज अच्छी है, पर धंधा करने में वो भारत की टॉप 20% कंपनियों में नहीं आती है। ये क्वालिटी अगर मेंटेन रही और कंपनी ने ग्रोथ बरकरार किया तो आने वाले समय में जरूर हम डिविज को टॉप की कंपनियों में देखेंगे। लेकिन यस, अगर डिविज में मुझे निवेश करना है तो मैं 5%, दोस्तों हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा निवेश न करे। मैक्सिमम अगर निवेश करना भी है, बढ़िया कंपनी है, तो 7%, उससे ज्यादा दोस्तों हरगिज नहीं। अब डिविज जिसके हर पॉइंट पॉजिटिव है लेकिन धंधा उतना बड़ा नहीं है, राइट?
आपके पास 30,000 करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी है और आप 5,000 करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी जब सिलेक्ट कर रहे हो, तो ध्यान रहे 5% निवेश नहीं करना है, आप 2% 3% जरूर निवेश कर सकते हो ये कंपनी में, राइट फ्रेंड्स? यस, मल्टीनेशनल कंपनी देखें तो सैनोफी, एबोट, फाइजर, ये तीनों कंपनियां बढ़िया है, आप चाहे तो उसमें भी 3% 2% निवेश कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? सो दिस वाज अबाउट फार्मा वर्ल्ड। आइए दोस्तों कुछ हैबिट जाने, मैंने डिविज लैब का पूरा इतिहास यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या काम आता है, इसे कहते हैं बिहेवियर स्टडी ऑफ एनी कंपनी। फ्रेंड्स आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हो, यस, चलो थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे आपको, ओके। फ्रेंड्स 2001 से लेके 2019 तक का मैंने पूरा बिहेवियर बताया है दोस्तों। ये कंपनी का आईपीओ 2003, मार्च 2003 को कंपनी का आईपीओ आया था दोस्तों। जब आईपीओ आया वो फार्मा का टाइम था, फार्मा की कई कंपनियां जबरदस्त ग्रोथ के हाईवे पे थी, इसीलिए कई फार्मा कंपनियां उस समय लिस्टेड हुई दोस्तों। जब 2001 का डेटा देखें तो ये कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर करती थी। 2003 जब आईपीओ आया तो कंपनी का टर्नओवर 260 करोड़ था। 2010 आते आते कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ का हो चुका था, तो 10 साल में 5 गुना टर्नओवर हो चुका था दोस्तों। जब हम लोग भी फार्मा में अच्छी कंपनियां ढूंढते थे तब हमारे ध्यान पे भी डिविज लैब इसलिए थी क्योंकि हमने 5 गुना ग्रोथ 10 साल में इस कंपनी ने देखा था। सो यस, इट वॉज ऑन अवर रडार। प्रॉफिट वाइज देखे दोस्तों तो पिछले 10 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट 25 करोड़ से 350 करोड़ गया था, यानी 30 करोड़ गिनो तो 30 से 350 करोड़, धंधा इसका 5 गुना बढ़ा, प्रॉफिट उसका 10 गुना बढ़ा था, तो कोई डाउट नहीं था हमें इस कंपनी में ध्यान देना था दोस्तों। 9 साल में सिर्फ 1 साल ऐसा था जब कंपनी का धंधा घटा था दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी का धंधा घटे इमीडिएटली डिसीजन मत ले लो कि भागो इस कंपनी में से। कभी कभी शॉर्ट टर्म होता भी है कि कंपनी के धंधे म्यूटेड हो जाते हैं। देखो 21% से धंधे घटे थे, तो ये कोई छोटा मोटा सेल्स में फॉल नहीं था दोस्तों, ह्यूज फॉल आपने सेल्स में देखा था दोस्तों। यही फॉल आज आपने ऑटोमोबाइल में देखा है कि नहीं, तो हमें कई लोगों को लगता है कि ऑटोमोबाइल की दुनिया ही खत्म हो गई, हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, अभी से मत डिसीजन ले लो। लेकिन डी ग्रोइंग इंडस्ट्री की कंपनियां में धंधा में और इन्वेस्ट करो नहीं जब तक कि वापस ग्रोथ की रफ्तार पे नहीं आ जाती है कंपनी, राइट? दोस्तों आपने देखा 9 साल में 1 बार धंधा घटा था, 9 साल में 2 बार प्रॉफिट घटा था, राइट? प्रॉफिट्स हमेशा धंधों से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इसी वजह से दोस्तों अगर आप इनके भाव देखो तो आईपीओ के समय यह कंपनी लॉन्च हुई दोस्तों, आईपीओ में इसका भाव करीबन 150 रुपए जितना था। देखिए दोस्तों जैसे 150 रुपए में आईपीओ आया तुरंत कंपनी का भाव उसी साल 2000 हो गया था। अब दोस्तों 2000 होना यानी पी ढूंढू इसका, दिख रहा है आपको कितने पी पे था, 150-150 के पी पे इतने पहले 5 साल ये कंपनी रही, तो दोस्तों इतने 100-100 साल के पी पे ये कंपनी क्यों रहती थी, क्योंकि दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ था इस सेक्टर में 5 गुना, यानी कितना ग्रोथ हुआ दोस्तों, 20% के CAGR से इनके धंधे बढ़ रहे थे दोस्तों, प्रॉफिट इनके 40% से बढ़ रहे थे। याद करो अभी कौन सी इंडस्ट्री अभी के समय पे ऐसी है, डिपार्टमेंट स्टोर, इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज, आईटी दोस्तों, ये सब कंपनियां इसीलिए बहुत महंगी होती है। खास करके आप डिपार्टमेंट स्टोर देखो तो आप में से कई लोग कहते हो पीयूष भाई 100-100 के पीई पे मिल रहा है, अरे ये महंगे ही होंगे। क्यों महंगे होंगे, क्योंकि हाई ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का, राइट फ्रेंड्स? वी डिसाइडेड टू पुट मनी इन डिविज लैब ड्यूरिंग दैट टाइम।
लेकिन दोस्तों हम प्रिपेयर थे कि भाई शेयर की मूवमेंट कैसी होती है। आप देखो 150 से 2000, जो लोग ये सोचते हैं कि डबल होने पे पार्टी करके शेयर बेच देते हैं, उन्हें ये 2000 का भाव नहीं देखने को मिला होगा। दोस्तों दूसरे साल अगेन 2000 से 1000, जो लोगों ने 2000 पे नहीं बेचा होगा वो लोग सोच रहे होंगे यार 900, मैंने 2000 पे नहीं बेचा और आज मेरा शेयर वापस 900 के भाव पे, राइट। लेकिन देख दोस्तों, धंधा बढ़ता जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यस, आपका प्रॉफिट घटा था उस साल, इसीलिए आपका शेयर 2000 से 900 आ चुका था। कितना फॉल था? 50% का फॉल, राइट। लेकिन वापस 900 से 1600, राइट। अगेन म्यूटेड धंधा, 60% आप एस्टिमेट करते हो 20-20% से धंधे बढ़े, पर खाली 60% से धंधे बढ़ रहे। आप एस्टिमेट करते हो 40% से प्रॉफिट बढ़े, पर खाली 60% से जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तो प्रेशर तो रहता है। दोस्तों दूसरे साल भी नया लो 900 रुपये का, हाई नया लगा लेकिन 2000 वाला हाई पार नहीं हुआ था। दोस्तों आप देख पा रहे हो 2 साल तक डिवीज ने नया हाई नहीं लगाया था, लेकिन दोस्तों धंधा बढ़ता जा रहा था। आप देख सकते हो यहां पे 2007 में कंपनी का धंधा लाइफ टाइम हाई, कंपनी का प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई। कैसा धंधा बढ़ा और प्रॉफिट बढ़ा, तो आपका शेयर का भाव भी 3500, 1100 से 3500। जो लोग घबरा के बेचते देते हैं दोस्तों इसी प्रकार से 1000 रुपए पे, वो लोग ये 3 गुने भाव कभी नहीं देख पाते। फ्रेंड्स बी प्रिपेयर, अभी भी आपके भाव आधे है तो आधे होंगे, प्रिपेयर रहो यार। शेयर बाजार में शेयर ऐसे ही चलने वाले हैं। आपने नया नया निवेश किया है, पहले 2-3 साल की वॉलेटिलिटी में आपके भाव टूटने ही वाले, क्यों घबराते हो? इतिहास कहता है शेयर के भाव हाई वॉलेटाइल होते हैं, राइट। देखो जो लोगों ने घबरा के बेचे होंगे उन्होंने ये 1000 से 3000 वाली रैली भी नहीं देखी। अरे उसके बाद ये शेयर सीधा 7000 रुपये दूसरे ही साल, दोस्तों 7 गुना भाव 1 साल में। क्यों ऐसा हुआ? दूसरे साल का लो 990 का है और हाई 7000 का। क्यों 7000? दोस्तों हमने इसका भाव देखा, क्यों ये 200 से 7000 सिर्फ 5 साल में गया? दोस्तों क्योंकि इसका प्रॉफिट 200 से 1000 करोड़ यानी 5 गुना हुआ, सॉरी धंधा 200 से 1000 करोड़, इसका प्रॉफिट 25 करोड़ से 400 करोड़ पहुंच चुका था। तो भाव तो दोस्तों बढ़ना ही है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन वापस जबरदस्त सेल आया और दूसरे साल वापस 7000 से आपकी कीमत खाली 700 रुपया, 700 रुपया। दोस्तों ये 700 रुपया यानी कितना टूटा है शेयर, आप अंदाजा लगा रहे हो कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी होती है दोस्तों। क्योंकि आपका धंधा 88% से बढ़ रहा था, 42 से बढ़ा 15 पे आ गया। आपका एस्टिमेट 20 का होता है, प्रॉफिट आपके हाई एस्टिमेटेड थे, 22% के प्रॉफिट आए। ये छोड़ो, ये 2008 में जबरदस्त मंदी थी, बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत टाइट थी, तो ये 1000-1000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियां तो क्या टूट रही होगी। दोस्तों 2010 में मंदी की लपेट में आपका फार्मा आ चुका था, 21% से धंधे डाउन, 19% से प्रॉफिट डाउन, और आपका शेयर आ गया 700 रुपया हाई और 400 रुपये का लो। लेकिन ये बोनस है, बोनस गिनो तो भी ये 800 और 1600 का भाव हुआ। तो ये 2010 में आपके शेयर ने नया हाई और नया लो नहीं लगाया, ऑलमोस्ट अगले साल जितने भाव थे। ये 1600 और 800 क्यों गिन रहा हूं? क्योंकि एक पे एक बोनस भी दिया है, राइट। अगेन हायर हाई हायर लो की गेम चालू हो गई। क्यों ये हायर हाई हर साल? इतनी खराबी देखने के बाद जब आपका शेयर 7000 से 700 आ चुका था, उसके सिर्फ 2 साल बाद आपके शेयर ने कंटिन्यू 9
सॉरी 8 साल तक कंटिन्यू हायर हाई हायर लो लगाए, आपके भाव ने हायर हाई हायर लो क्यों लगाए? क्योंकि आपके धंधे कंटिन्यू 8 साल बढ़े दोस्तों, आपके प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़े। 2017 में खाली प्रॉफिट डाउन हुआ और इसीलिए दोस्तों 2017 में वापस आपका शेयर डाउन हुआ था। पर याद रखो ये 1200 भाव नहीं है, ये 2500 है, ये हायर हाई गिनो 2500 रुपया भाव, क्योंकि बोनस यहाँ पे भी एक पे एक दिया था। ये 900 नहीं, 1800 वापस गिनो क्योंकि हाई बोनस भाव है, राइट। तो हायर हाई हायर लो डेफिनेटली है। अगर आप टोटल बोनस एडजस्ट करो तो ये 1200 नहीं है, ये कितना हुआ आपका 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका 5000 का भाव हो गया, राइट फ्रेंड्स। तो 5000 और 4000 का भाव 2016 में वापस, राइट। फिर क्या होना है, अगेन हायर हाई बट स्टिल लोअर लो, क्यों? क्योंकि आपके प्रॉफिट डाउन हुए 2017 में, धंधे म्यूटेड थे, 18 में धंधे म्यूटेड, प्रॉफिट जबरदस्त टूटा, इसी वजह से आपका भाव भी 500 रुपया आ गया, वापस आधा। तो मुझे बताओ आपके शेयर की वॉलेटिलिटी कैसी होती है? जो लोग ये वॉलेटिलिटी से घबराएंगे, जो लोग यहां पे प्रश्न पूछेंगे पीयूष भाई ये शेयर बाजार और कितना गिरेगा, अरे कोई लोभी है कि नहीं, वो मेरे को तो बहुत हंसी आती है वो फोटो देख के, कुछ लोगों ने फोटोग्राफ भेजे थे, वो कैंडल कंप्यूटर क्या टेबल तोड़ के नीचे घुस रही है। अरे ये सब चीज नॉर्मल है, क्योंकि आपके भाव भी 10-10 गुने होते हैं, वो नॉर्मल है, तो फिर ऐसे फॉल भी नॉर्मल है। चलो इतने सारी बार आपका शेयर टूटा, फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या मिला? 24% का CAGR, 24% का CAGR, यानी दोस्तों आपका शेयर 24% CAGR से इतने सालों में इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने ऐसी कंपनी ढूंढी है जो 20% CAGR से धंधा बढ़ा सके, जो 24% CAGR से प्रॉफिट बढ़ा सके, तो आपका भाव भी 24% से बढ़ना ही है दोस्तों। ये 24% अकेला काफी नहीं है, आपने जितना निवेश किया उसका दुगना डिविडेंड में वापस आ गया होगा, लाख लगाया तो 2 लाख तो डिविडेंड मिल गया होगा, क्योंकि 24% भाव के अलावा कंपनी ने कंसिस्टेंट पिछले 19 साल से डिविडेंड बांटा है दोस्तों। एक साल डिविस का ऐसा नहीं है जब कंपनी ने लॉस किया है, यह खराब परिस्थिति के समय भी कंपनी वॉज इन कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो जस्ट अंदाजा लगाओ दोस्तों, ऐसी कंसिस्टेंट कंपनी में निवेश करें ताकि भविष्य उज्जवल हो दोस्तों। कंपनी 30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। 30% डिविडेंड इज अ गुड डिविडेंड। सोचो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, यहां पे कंपनी 25 करोड़ प्रॉफिट करती थी, 30% के हिसाब से मेरे को बताओ कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती होगी, 8 करोड़ डिविडेंड में मिला होगा हम सबको, बाकी का 14 करोड़, बाकी का 14-15 करोड़ कहां गया होगा, बुक वैल्यू में, रिजर्व में ऐड हुआ होगा, जो रिजर्व की वजह से आपके भाव बढ़े। पिछले साल 1300 करोड़ का प्रॉफिट किया, अब मुझे बताओ पिछले साल कितना डिविडेंड बटा होगा, ये 30% डिविडेंड बांटती है, 500 करोड़ खाली डिविडेंड में बटे, 500 करोड़। तो ये हर साल डिविडेंड बट रहे हैं, हर साल आपकी बैंक में खाट 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 एंट्री आ रही है। मुझे बताओ अभी बाजार टूटा हुआ है पर आप लोगों ने शेयर लिए हुए आपकी बैंक में एंट्रीज आ रही है कि नहीं आ रही है? आज ही मेरे बैंक में TCS का डिविडेंड आया, कल ही मेरे बैंक में शायद किसका डिविडेंड आया था यार भूल गया, बीच में TTK का आया, जुबिलेंट का आया था कल। अरे यार रोज कोई ना कोई बैंक की एंट्री है, चालू है, क्यों? क्योंकि जो कंपनी हम खरीदते हैं वो कंसिस्टेंट कंपनी खरीदते हैं, तो ये अर्निंग तो हमारी कंसिस्टेंट रहती है, राइट। मेरे को बताओ जो लोग ने इसमें निवेश किया और कम से कम 10 साल लिया, कोई भी 10 साल पकड़ो आपने पैसा कमाया ही है, हाँ पर बीच में वॉलेटिलिटी तो रहती है, तो वॉलेटिलिटी से बच नहीं सकते, राइट। दोस्तों मुझे अंदाजा है कि मैं अगर डिविस में इसी प्रकार से निवेशक बनके पड़ा रहूंगा तो भी 2030 आते आते मेरी यही कंपनी
करीबन 37,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचेगी। मैं ये आशा रखूंगा कि मेरी ये कंपनी जो आज 1500 करोड़ के करीब प्रॉफिट कर रही है, ये 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पहुंचेगी। मेरी ये कंपनी जो आज मुझे 50 रुपया हर साल दे रही है, यही कंपनी मुझे करीबन 350 रुपया हर साल दे रही होगी 2030 में। हर साल कह रहा हूं, खाली 2030 नहीं, तो मैं क्यों बेचूंगा मेरी इस कंपनी को। एक बार दोस्तों मैंने निवेश किया था 2010 में, एक बार, क्या भाव था, 750 से 400। भाव तो दोस्तों मेरे को भी ध्यान नहीं है कि मेरे एवरेज प्राइसिंग कितनी होगी, क्योंकि जब जब फॉल आए तब तब मैंने ऐड किए हुए, राइट, हर एक फॉल में ऐड किया, अभी भी फॉल आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर इट्स प्राइस टू अप्रोच टूवर्ड 1400। ये जैसे नीचे आएगा अगेन बाय करेंगे, राइट। मेरा टारगेट क्या है, 10,000 का तो मेरा टारगेट है ये 2030 का, बराबर। जब हमने 2010 में निवेश किया होगा तब इसी प्रकार से 2020 के हमने टारगेट रखे थे, राइट। तो टारगेट पे बेचना थोड़ी ना है। 2010 में अगर हमने करीबन 500, 600, 700 रुपए पे लिया है, यार आप हाईएस्ट भाव भी गिनो, चलो 700 पे लिया है दोस्तों, 700 पे निवेश, यहां पे बोनस दिया, यानी मेरा निवेश हो गया 350 रुपए का। दोस्तों 350 का निवेश साल का 350 की इनकम देगा, यानी जितना लगाया, अगर 1,00,000 रुपया लगाया है डिविज में, ये मेरे को 2030 में हर साल 1,00,000 रुपए की इनकम देगा। दिस इज कॉल्ड एज वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों को भाव में इंटरेस्ट ही नहीं है यार, भाव तो दूसरे लोगों के लिए जिनको फ्यूचर खरीदने, इनके जिनको कॉलपुट खेलना है, अपने लिए थोड़ी ना भाव है दोस्तों, राइट। सो दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग हैबिट्स ऑफ डिविज लैब। दोस्तों मैंने देखो सारे रिजल्ट अपडेट कर दिए हैं, ये सब मेरे लिए, मैंने एकदम देशी भाषा यहां पे लिखी है भी, कौन से भाव पे लिया जाए, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। एलम्बिक फार्मा, मैं जानता हूं आप में से कई लोग इसमें भी निवेशक हो, तो मैंने इसके भी रिजल्ट लिखे हुए, अजंता फार्मा के रिजल्ट अपडेट किए, फाइजर, सन फार्मा जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो इसके भी रिजल्ट अपडेट किए, सैनोफी, एबोट, ये सब वेबसाइट पे मैंने अपडेट किए हुए, यू कैन चेक दिस ऑल कंपनीज, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी बडी।